करनाल में 72वें वन महोत्सव दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने मुख्य रूप से शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव दिवस पर सभी को बधाई दी और अपील की कि वह अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार योजना बना रही है कि स्कूलों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पौधा लगाने और उनका संरक्षण करने के लिए 10 अंक दिए जाए ताकि अधिक से अधिक पर्यावरण को बढ़ावा मिले। वहीं इस मौके पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधे को देवता के रूप में माना है। यह मनुष्य को वायु, ऑक्सीजन, छाया, फल, फूल और औषधियाँ देते हैं, तभी पर्यावरण शुद्ध रहता है। यदि पेड़ पौधे अधिक होंगे तो जल भी बचेगा और कल भी बचेगा। आज वन महोत्सव के कार्यक्रम पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, पूरे प्रांत को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 72वां वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया, जिला स्तरीय कार्यक्रम था, यहाँ पर आए पौधारोपण, और हमने आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, उन्होंने भी जल संरक्षण के लिए बात करी और मुख्यमंत्री जी ने अनेक बातें बताई। माननीय कंवरपाल जी ने बताई कि जो अपने छात्र हैं उनके साथ इस वृक्षारोपण को भी जोड़ने जा रहे हैं और ऐसा प्रयास है। ऐसी कोई जैसे कि सर हर साल पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन बाद में उनकी देखरेख नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने और यही बात आज मुख्यमंत्री जी ने भी नोटिस की है। उन्होंने भी कहा है कि हमारा लक्ष्य तो पूरा हो जाता है पेड़ लगाने का, लेकिन पेड़ लगाए वो सर्वाइव भी करें, इस बात की चिंता करने के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। आज डीसी साहब साथ थे, डीसी साहब ने भी मेरे को बताया कि हमने 1,00,000 जो वृक्षारोपण का लक्ष्य को इस जिले के अंदर पूरा किया है, लेकिन उसकी टैगिंग भी करी है ताकि 6 महीने बाद हम उसको देख पाएं कि उसकी एक्जैक्ट स्थिति क्या है। मैं समझता हूँ ये एक परफेक्ट योजना है। सर संसद चला हुआ है, किसान भी बैठे हैं धरने पे, संसद क्या चला हुआ है। हाँ जी, तो किस तरह देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं देखता हूँ कि किसान आज भी खेत के अंदर काम कर रहा है, किसान इस बात को समझ चुका है जो ये कृषि कानून आया उनमें उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने, हो सकता है उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, कुछ मेरे किसान भाइयों को भ्रमित भी किया है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपना पक्ष समाज के आगे, किसानों के आगे रखें और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि मोदी जी किसानों का कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, ऐसा कोई मानने को भी तैयार नहीं है। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों ने ही पंचायत चुनाव में बड़े भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये भ्रम हटता जाएगा। थैंक यू।